इसराइल हमास की जंग और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है। दरअसल एक तरफ जहां लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला ने मोर्चा खोल दिया है, वहीं गाजा में हमास ने आईडीएफ की नाक में दम किया हुआ है। अल कासिम ब्रिगेड और अल कुज ब्रिगेड गाजा से लेकर लेबनान में एक्टिव है। हालांकि इजरायली फोर्स दोनों ही मोर्चों पर डटकर खड़ी हुई है। गाजा के भीतर इजरायली सेना रफा और खान यूनिस शहर में लगातार भीतर घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमास के लड़ाके आईडीएफ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अल मयादीन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि खान यूनिस और इजरायली सेना के बीच पूर्वी खान यूनिस में भीषण जंग चल रही है। इसके अलावा जैतून से सटे इलाके अलसेका स्ट्रीट में भी कुछ ऐसा ही आलम है। यहां पर अल कासिम ब्रिगेड ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने फ्रंट लाइन पर आईडीएफ को खदेड़कर वापसी की है। इस दौरान अल कासिम ब्रिगेड ने इसराइल के एक सैनिक को मारने और एक को घायल करने का दावा किया है। इसके अलावा अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली सेना के 4 मेरकावा टैंक और अलियासीन 105 टेंडम आरपीजी से हमला किया है। अल कासिम ब्रिगेड का दावा है कि उसने ये हमला खान यूनिस के अल मशरो में किया है। इसके अलावा अल कुज ब्रिगेड ने खान यूनिस के अल करारा में इजरायल के 4 सैनिकों और कुछ सैनिकों को घायल करने का दावा किया है। अलकुज का कहना है कि इजरायली सेना का एक बुलडोजर भी इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिस पर आरपीजी रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। इन हमलों के अलावा अलकुज ब्रिगेड ने कहा कि उसने जैतून में इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर मोर्टार से गोले दागे हैं। आपको बता दें कि अल कासिम और अल कुज ने इन दोनों ही हमलों को लेकर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें अल कासिम के लड़ाके खंडहर पड़ी इमारतों में छिपकर सामने से आ रहे इजरायली टैंकों पर रॉकेट से वार करते हैं। इसके अलावा वीडियो में आईडीएफ के 3 जवान दिख रहे हैं, जिस पर हमास के लड़ाके रॉकेट लॉन्चर से हमला करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में आगे देखने पर साफ दिख रहा है कि कैसे हमास के लड़ाके रॉकेट्स को इकट्ठा करे हुए हैं और फिर एक एक करके रॉकेटों को लॉन्चर में भर कर दागा जा रहा है। अलकुज ने इस हमले को लेकर एक बयान और एक वीडियो भी जारी किया है। अलकुज का कहना है कि उसने पूर्वी खान यूनिस में इजरायली सेना के एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन को भी मार गिराया है, जो इलाके में खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा था।